एवरीवन, वेलकम बैक टू सेमिनार्स डिजिटल वर्ल्ड। तो जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी बहुत ही छोटी सी बेडरूम बालकनी का मेकओवर। ये बहुत ही छोटी सी है, यहाँ पर सारे प्लांट्स भी रखे हुए थे जो कि हमने अपने बेडरूम में अभी रख दिए हैं और आज हम इसका मेकओवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, प्लांट्स रखे हुए थे तो काफ़ी गंदगी भी हो रही है और ये जो वॉल है ये भी पूरी ख़राब हो रही है, इसका प्लास्टर निकल गया है तो इसको भी आज हम ठीक करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक रेलिंग लगवा रखी है ताकि हमारे प्लांट्स वहाँ पर रहें। और ये है गिलोय की बेल जो साइड में चढ़ी हुई है। इधर से हम पूरी बालकनी का आपका व्यू दिखा देते हैं कि इतनी छोटी सी है ये कि यहाँ पर सिर्फ 3 फिट इसकी चौड़ाई है और 4 से 5 फिट इसकी लंबाई मानी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इतनी छोटी सी है ये कि इसमें सिर्फ खड़े हो सकते हैं। बट इसका हम मेकओवर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसमें बैठने का भी और ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा बोहो लुक देने का। तो सबसे पहले जब मेकओवर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अपने बालकनी की क्लीनिंग स्टार्ट करी है। तो ये जाली का गेट है, ये बाद में हम लोगों ने इसमें लगवाया था, इसमें सिर्फ एक ही गेट लगा हुआ था और जब हम लोग शिफ्ट हुए थे उसके बाद ही जाली का गेट लगवाया था। तो इसकी क्लीनिंग हम कर रहे हैं ब्रश से, जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे हम इसको रगड़ रहे हैं ताकि इसकी जो डस्ट है वो निकल जाए। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लास्टर पूरा निकल रहा है तो इसको हम और ज़्यादा अपने हाथ से जितना ही निकल पा रहा है और निकाल दे रहे हैं, इसमें हाथ डाल डाल के देखिए इस तरह से, ताकि जब हम इस पर पुट्टी लगाएंगे तो ये काफ़ी दिनों तक रुकी रहेगी। उसके बाद हमने एक पत्ती ली है और देखिए उसको पत्ती को हम ऐसे इंसर्ट करने से कॉर्नर्स में, तो जितना भी प्लास्टर फूला हुआ है ना उसको पूरा निकाल देना है जहाँ जहाँ तक भी ये निकल सकता है। उसके बाद ही अगर पुट्टी लगाएंगे तो ये आराम से ड्यूरेबल रहेगी काफ़ी दिनों तक। अब ये देखिए पूरा हमने निकाल दिया है, उसके बाद हम लगा रहे हैं झाड़ू। छोटी सी बालकनी है, डेली क्लीनिंग होती है, इसके बाद भी जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा डस्ट निकल रहा है और प्लांट्स रहते हैं तो गंदगी तो होती ही होती है। तो यहाँ पर हमने इसके झाड़ू लगा दी, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। फिर जो ये हमने रेलिंग लगवा रखी है आगे की तरफ बढ़ा के थोड़ा सा बालकनी में, इसको हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कबूतर बहुत गंदा कर देते हैं उसको। और ये जो जाली का गेट है इसको हम पानी से वॉश कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हमें पेंट करना है, तो जंक नहीं आएगा क्योंकि हम इसे पेंट कर देंगे। अब हम बालकनी को अच्छे से धो लेंगे, पूरा दरवाजे को भी और नीचे से फर्श को भी। तो जी, जगह बहुत छोटी सी है इसलिए इसमें बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते, बस जितना भी हो सकेगा हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे ताकि कभी मन हो तो यहाँ बैठ सकते हैं, कोजी कॉर्नर सेटअप हम इसमें बनाने वाले हैं। तो अब हमने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी और उस वॉल पुट्टी को हमने पानी डाल के मिक्स किया है और ऐसा थिक पेस्ट सा बना लिया है। अब जो हमारा ये प्लास्टर है यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ पर हम इस वॉल पुट्टी को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने बालकनी धोई थी उस टाइम पे हमने इस वॉल पे यहाँ पे जो प्लास्टर निकल गया इस पे भी पानी डाल दिया था, तो ये वॉल पुट्टी आराम से चिपक जाती है जब भी थोड़ा सा गीला गीला सा रहता है। तो अब हम इस पे वॉल पुट्टी इन पत्तियों की हेल्प से लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी सा प्रोसीजर है। आपके बालकनी में या आपके घर में कहीं पर भी ऐसा कोई एरिया ख़राब हो जाए ना तो आप खुद से वॉल पुट्टी को इस तरह से उस पर अप्लाई कर दें, उससे जो है वो एरिया भी कवर हो जाएगा। और साथ ही अभी हम आपको आइडिया देंगे कि आपको पूरी वॉल को पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कैसे करना है वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। फिर इसको स्मूथ कर देना है पत्ती की हेल्प से, और देखिए इस तरह से स्मूथ हम कर रहे हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी ऊंचा नीचा पार्ट ना रहे। पत्ती की हेल्प से इसकी सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर देना है। अब जो यहाँ साइड में भी क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम वॉल पुट्टी ही अप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसको पूरे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का शूट है, यहाँ पर हमने आर्च बना रखे हैं, तो ये आर्च वाला वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा कैसे बनाने हैं ये आर्च। उसके बाद यहाँ पर हमने जो वॉल पुट्टी लगाई थी इसको हम सैंड पेपर की हेल्प से रब कर रहे हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी है वो निकल जाएगी। और ये जो आर्च हमने बनाया इसको भी हम सैंड पेपर की हेल्प से रगड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा लाइट शेड का पेंट करना है। अब अगर आपकी वॉल डार्क कलर की है और उस पर आपको लाइट शेड करना हो तो उसके लिए आप सैंड पेपर से उसको रब कर दें और उसके बाद इस तरीके का प्राइमर ले लें। आप पेंट शॉप पे जाएंगे तो वो प्राइमर दे देंगे और उसको इस तरह से ट्रे में डालना है, फिर जितना आपने प्राइमर लिया है उतना उसमें पानी ऐड कर लें। उसके बाद उसे आप मिक्स करके अपने जिस भी वॉल को पेंट करना चाहते हैं पेंट कर लें। इससे क्या होगा कि फिर अगर आप इस पर लाइट कलर भी करेंगे तो वो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 कोट हमें करने होंगे, तो 1 कोट अभी हम ये कर दे रहे हैं और उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे तक छोड़ना होगा सूखने के लिए, फिर इस पर दूसरा कोट होगा। तो इतने वो ड्राई हो रहा है 3-4 घंटे के लिए हमने अपनी रेलिंग को पेंट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमने ब्लैक ऑयल पेंट लिया है, तो पहले ये
क्रीम कलर से पेंट हुई हुई थी, अब हम इस पर ब्लैक ऑयल पेंट से पेंट कर रहे हैं। तो ब्रश से इसे सिंपली पेंट कर लेना, बहुत इजी सा मेथड है इसे पेंट करने का। ब्रश को थोड़ा सा अंदर डार डाल के इसमें इस तरह से इसे पेंट करना है। 3-4 घंटे देखिए हो चुके हैं, ये ड्राई हो गया है। तो अब हम इस पर सेकेंड कोट कर रहे हैं प्राइमर का ही। अभी इस पर हमने पेंट स्टार्ट नहीं किया, प्राइमर ही वापस से कर रहे हैं। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इस पर हम पेंट करेंगे। अब उसको ड्राई होने के लिए छोड़ा है तो यहाँ पर हम वापस से अपनी रेलिंग को पेंट कर रहे हैं। और इस तरह से छोटा ब्रश हमने लिया है इन कॉर्नर्स को पेंट करने के लिए। तो देखिए हमारी पूरी वॉल ख़राब नहीं थी, थोड़ा सा पार्ट ख़राब था, तो उसको हाइड करने के लिए हमने वॉल पुट्टी लगाई और इस तरीके का एक डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट कर दिया। बोहो पैटर्न रहता है ये, तो उससे बोहो पैटर्न भी क्रिएट हो गया और पूरी वॉल को हमें पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब यहाँ पर जो रेलिंग है इसको हम पेंट कर रहे हैं, बट कभी आप रेलिंग पेंट करें तो बाहर की साइड से आप पहले पेंट करें। यहाँ देखिए हमने बाहर की साइड से इसे पेंट कर दिया है और उसके बाद अब हम अंदर की साइड से पेंट करेंगे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप रेलिंग को पेंट करें। तो जी है ना ये बढ़िया सा आइडिया कि जब आपको पूरी वॉल को पेंट ना करना हो, थोड़ा सा टचअप ही देना हो, तो इस तरीके से बोहो आर्ट आप उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये रेलिंग पूरी पेंट हो गई है, बाहर से भी और अंदर से भी ब्लैक कलर में। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हम इस पर पेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्रीम कलर का पेंट लिया है और इसको हम यहाँ पर आर्च में लगाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर साइड में पेपर टेप लगाया है ताकि जो हमारा आर्च है छोटा वाला, इसको हम क्रीम कलर से पूरा पेंट करें तो ये बाहर ना निकले। साइड की वॉल्स को भी हम लाइट कलर से पेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छा दिखने में हो जाएगा ये वाला पार्ट भी। तो ये वाली वॉल को हमने पेंट कर दिया और उसके बाद दूसरे आर्च के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये ट्रैक्टर स्पार्क का व्हाइट इमल्शन लिया है। 1 लीटर का हम ये ले आते हैं पूरा डब्बा। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है ये स्टेनर, ये हर कलर में अवेलेबल होता है, जो कलर आपको चाहिए तो आप जब पेंट की शॉप पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। और जितना क्वांटिटी आपको बनाना हो कलर की उतना आप उसमें ऐड करें इस वाइट वाले पेंट में और आपका मनपसंद कलर बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहता है और इसके लिए आपको बड़ा सा पूरा बकेट लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एक जो हमने आर्च है वो क्रीम कलर से पेंट किया है, दूसरे आर्च को हमें ऑरेंज कलर से करना है, इसलिए जो पेपर टेप है उसको हम दूसरी साइड से इस तरह से लगा देंगे, इससे आर्च में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो ऊपर का जो पोर्शन है उसके लिए हम छोटे ब्रश को यूज़ कर रहे हैं इसको राउंड शेप देने के लिए, और बाकी जो बीच का पोर्शन रहेगा उसके लिए हम रोलर को यूज़ कर रहे हैं इसको पेंट करने के लिए। तो इसको एक दिन के लिए ड्राई होने छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे देखिए ड्राई होने के बाद जो हमारा ख़राब पार्ट था वॉल का वो बिल्कुल हाइड हो गया है इस तरह से पेंट करने से। और यहाँ पर हमारी रेलिंग भी पूरी तरह से पेंट हो गई है, जो भी टूटे फूटे पार्ट थे वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। अब बारी आती है जाली के गेट के लिए। तो इसके लिए हमने ब्लू कलर का ऑयल पेंट लिया है और उससे हम जाली के गेट को पेंट कर रहे हैं। पीछे की वॉल में हमने पूरे में न्यूज़पेपर लगा दिए ताकि जो इसके छींटे हैं वो पीछे की वॉल पर ना जाएँ। मीडियम साइज़ का पेंट का ब्रश लिया है जिससे कि हमने ये जाली के गेट को पेंट किया है। उसके बाद जब ये पेंट हो रहा था थोड़ी थोड़ी देर में हम सूखा ब्रश लेके उससे इस तरह से इसके जो होल्स ब्लॉक हो रहे थे उनको हम खोलते जा रहे थे। अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। तो जितने प्लांट्स हमने हटाए थे उन सबको हमने धो दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है और वापस से इस बालकनी में हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बेल है ये गिलोय की क्रीपर है जो कि ड्राई हो चुकी है, तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल क्रीपर इस पर ऐड कर रहे हैं ताकि ये देखने में थोड़ी खूबसूरत लगे। गर्मियों में वापस से ये ग्रीन हो जाएगी तब हम ये आर्टिफिशियल क्रीपर हटा देंगे। तो इस पर हमने यहाँ पे ये लगा दिया है बर्ड के नेस्ट 2, एक इस वाले साइड में और एक इस वाले साइड में। ये हमने ऑनलाइन परचेस किए थे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद हमने ये उर्ली बनाई थी जो कि DIY दिवाली डेकोर में हमने शेयर किया है वीडियो, तो आप उसको एज ए उर्ली भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको चाहिए, और नहीं तो आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ और प्लांट्स को ऐड कर देंगे इस वाली बालकनी में दीवार पे। और उसके बाद अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ DIYs जो कि बहुत इजी और क्विक से हैं। तो यहाँ पर हमने ली हैं ये बैम्बू स्टिक्स, आप झाड़ू की जो सीखे होती हैं पीछे की वो भी ले सकते हैं। उनको इस तरीके से ट्राइंगल शेप में ज्वाइन कर देना है ग्लू गन की हेल्प से और उसके बाद इसको हम करेंगे डेकोरेट कुछ फ्लावर्स से। तो अब हमने यहाँ पे लिया है एक क्राफ्ट वाला वायर और उस वायर को ये जो बैम्बू स्टिक्स हैं इनके ऊपर इस तरीके से लपेट देना है दोनों साइड में। एक साइड में हमने इधर से लपेटा है और इसी वायर को घुमा के हम दूसरी साइड में भी लपेट देंगे। इस वायर से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे फ्लावर्स रहेंगे वो हम इसके अंदर को इंसर्ट करके स्टिक कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमें ग्लू गन की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली इन फ्लावर्स को इस वायर के अंदर इंसर्ट करके इन्हें लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लीव्स हैं जिनको कि हम ग्लू गन से ही स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि ये वायर में इंसर्ट नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे एक फ्लावर। तो ये देखिए हमारा छोटा सा क्यूट सा एक वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद बनाते हैं एक और DIY, जिसके लिए यहाँ पर हमने मैक्रेम ली है। तो इस मैक्रेम को इस तरीके से 7 इंच लंबा हमें कट कर लेना है। यहाँ पर इंची टेप से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, 7 इंच लंबा हमने लिया है और इसी साइज़ के काफ़ी सारे मैक्रेम्स को कट करके रख लेना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, ये 6 इंच का है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने निकाल दिया है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको लिया है। और जो मैक्रेम है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और ये जो हमारा फ्रेम है इसके अंदर इस तरह से डालना है और इस तरह से इसको निकाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको क्लोजअप करके भी दिखा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है, बीच में से इसके मैक्रेम को निकालना है और इस तरह से खींच के नॉट लगा देनी है। तो ये जितनी भी मैक्रेम है इसको एम्ब्रॉयडरी फ्रेम के चारों तरफ इसी तरीके से नॉट लगा लगा के बांधते जाना है और इसको बिल्कुल पास पास सटा सटा के लगाना है कि आपका जो फ्रेम है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर हमारा एम्ब्रॉयडरी फ्रेम पूरी तरीके से कवर हो गया है। अब जो ये मैक्रेम है इसको इस तरह से हाथ से खोलते जाना है, जितने भी इसमें भी ये पूरा लिपटा हुआ है एक दूसरे के ऊपर इनको अलग अलग कर लेना है। अब हमने लिया है एक कॉम और इनको इस तरह से कॉम कर लेना है ताकि जितने भी ये मैक्रेम है ये पूरे खुल जाएं और खिले खिले से हो जाएं। तो मैक्रेम छोटे बड़े हो सकते हैं, जब आप नॉट लगाएंगे उसके आप टेंशन ना लें। बाद में इसको हम कैची से कट करेंगे साइड से, इस तरह से रख रख के एक साइड से कट कर लें और उसके बाद इसको फिर से सेट करें, दोबारा से कॉम करें और फिर इसको चारों तरफ से इस तरह से कट कर लें। तो ये यहाँ पर पूरा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमने लिया है यहाँ पर एक्रेलिक मिरर स्टिकर और इसका जो पन्नी थी वो हमने हटा दी है। अब हम लेंगे ग्लू गन और इसके चारों तरफ हम ग्लू स्टिक कर देंगे पूरा इस तरीके से। ग्लू लगाने के बाद जो हमारा मिरर स्टिकर है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर हमने स्क्वायर वाला मिरर स्टिकर लिया है, आप चाहें तो राउंड वाला ले लें, हमारे पास अभी यही अवेलेबल था तो हमने यही यूज़ किया है। हैंग करने के लिए पीछे मैक्रेम लगा रहे हैं बट ये वर्क नहीं किया था तो ये हट गया था। तो इसको लगाने के लिए हमने फिर फोम टेप का यूज़ किया है और उससे ये आराम से स्टिक हो जाएगा। चलिए अब इससे कर लेते हैं अपनी बालकनी को डेकोर। जो हमारा पहला DIY था इसको हम इस तरीके से हैंग कर देंगे यहाँ पर। और जो हमने ये बनाया है बोहो स्टाइल का अपना मिरर डेकोर, तो ये हमने फोम टेप की हेल्प से यहाँ पे लगा दिया है। अब जो हमारे पास ये लाइट्स हैं इनको हम इस तरीके से रेलिंग के नीचे लगा रहे हैं, इसे बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है किसी भी जगह की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है और उसके बाद जो बची हुई थी वो हमने जो पेड़ था उसके ऊपर इसको लगा दी है। अब यहाँ पर हमारे पास राउंड रग है वो हम लगा रहे हैं और एक ये गद्दी हमने बनाई थी, हैंडमेड गद्दी है और इसके ऊपर 2 राउंड शेप के हमने कुशंस रख दिए हैं। अब साइड में इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, एक ट्रे रख रहे हैं और उसमें कुछ आइटम्स रख देंगे। इस जगह को एक कोजी लुक देने के लिए लैंटर्न्स का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ पर एक कोजी सा लुक क्रिएट हो पाए बोहो स्टाइल में। चलिए दिखाते हैं अब अपनी बालकनी का आपको फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत छोटी सी बालकनी थी जिसको हमने थोड़ा सा कोजी लुक दिया है और बोहो स्टाइल में डेकोरेट करने की कोशिश करी है। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी किया है कि मन चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं और अपनी बुक रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नाइट का लुक, जबकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और हमने यहाँ की लाइट्स को ऑन कर दिया है।
तो देखिए कितनी छोटी सी बालकनी है, बट हमें इसका लुक काफ़ी पसंद आया है। बेडरूम से अटैच्ड है, तो कभी भी मन करे तो यहाँ बैठ के हम अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके के होम से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो जी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और होम डेकोर स्टाइल के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टिल देन बाय।